नमस्कार। आज की कहानी एक कपल की है। एक कपल था, हस्बैंड वाइफ, जो 64 ईयर की उनकी मैरिज हो चुकी थी, यानी 64 साल तक उनकी मैरिज हुए हो गया था, और 64 साल तक वो कभी आपस में झगड़ा नहीं किया उन्होंने, और बहुत खुश रहते थे। पूरे कॉलोनी यानी उनके सराउंडिंग के जो नेबर वगैरह थे, कॉलोनी के लोग थे, वो बड़ा आश्चर्य करते थे कि यार ये दोनों कभी झगड़ते ही नहीं है। तो एक बार फिर पूरे उन दोनों को पूरी कॉलोनी वालों ने बुलाया और उनको पूछा कि आप प्लीज हमें गाइड कीजिए कि आप दोनों कभी झगड़ते ही नहीं है, इसका क्या रीजन है, जबकि घर में जल्दी नोक झोंक वगैरह होती रहती है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, दोस्तों में भी झगड़े होते हैं, तो आपका क्या रीजन है कि आप कभी आपस में झगड़ते नहीं और इतने खुश रहते हैं। तो कपल ने कहा कि सिर्फ आपको जीवन में दो वर्ड यूज नहीं करने, उसकी जगह पे दूसरे दो वर्ड यूज करने, यानी दो वर्ड आपको ये यूज करना बंद करना है और उनको रिप्लेस करके दूसरे दो नए वर्ड यूज करने हैं। तो आप वीडियो पॉज करो और चैट बॉक्स में लिखो कि कपल ने वो कौन से दो वर्ड बोले थे जो यूज नहीं करने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो। कपल ने कहा कि आपको जो दो वर्ड यूज नहीं करने हैं वो है मी एंड माई, मैं और मेरा, और इन दोनों की जगह आपको जो यूज करना है वो यूज करना है वी एंड आर, अवर, यानी वी एंड अवर मतलब हम और हमारा, यानी हमको यूज नहीं करना है मैं और मेरा, उसकी जगह यूज करना है हम और हमारा, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब हम कुछ काम करते हैं, कुछ गलत हो जाता है, तो हम कहते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, वो सारे झगड़े का कारण है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं फैमिली में और कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कुछ गलत हो जाए, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कि ये हमारी गलती है, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी प्रोजेक्ट को हम फैमिली या कपल मिल के करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर आप एक स्टेप पीछे हो जाओ और अपने जो वाइफ या फ्रेंड है उसको आगे करो और उसको पूरा श्रेय लेने दो। यानी जब भी जिम्मेदारी लेने की बात आए, एक स्टेप आगे रखना चाहिए, और जब कुछ खुशियां बांटने की बात आए, तब आपको एक स्टेप पीछे रखना चाहिए। और प्लस हर काम में, हर चीज में हमें हमेशा यूज करना है कि हमने मिलके किया, ये हमारी जिम्मेदारी थी, ये हमारी सक्सेस है, ये हमारी फेलियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको हर जीत और हार में ही लगेगा कि उसके लिए मैं भी उसका पार्ट हूं, यानी वो किसी और को हम ब्लेम नहीं करेंगे, और जब हम दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं और उसको साथ लेके चलते हैं, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आज से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो भी अच्छे रिलेशंस फ्यूचर में चाहते हैं, हम सभी लोग चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम घर में कभी भी ये दो वर्ड यूज नहीं करें, मैं और मेरा, ये कभी यूज नहीं करना है, हम और हमारा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।